before we begin. We publish new content every day, so be sure to subscribe to our channel and ring the bell to get notified about our latest videos. पिशावर का खूबसूरत और पॉश इलाका कंटोनमेंट, जदीद रंगों का इस्तारा, शहर के इस खूबसूरत इलाके में माल रोड से गुजरते हुए आपको दूर ही से मुगल तर्ज तामीर की हामिल सुर्ख रंग की एक बावकार इमारत दिखाई देगी। ये एडवर्ड्स कॉलेज पिशावर है। यही वो कदीम दरसगाह है जिसे सूबाए सरहद के सबसे पहले कॉलेज और अव्वलीन यूनिवर्सिटी कॉलेज होने का एजाज हासिल है। इस कॉलेज की गुम्बद के साथ लिपटी और इसके बरामदों और रवशों पर सरसराती तारीख की सरगोशियां आज भी गुजरे जमानों की कहानियां सुनाती हैं। जिक्र है 1849 का, जब सूबा सरहद अंग्रेजी अमलदारी में आया तो जरूरत महसूस की गई कि यहां जदीद तालीम को आम किया जाए। बरतानवी हुकूमत के जेर साया जो स्कूल पख्तून अशराफिया के जदीद दुनिया के साथ राबते का जरिया बने, उनमें एक एडवर्ड्स हाई स्कूल भी था। एडवर्ड्स हाई स्कूल की बुनियाद 1855 में रखी गई। इस स्कूल का कयाम उस वक्त के चीफ कमिश्नर पिशावर सर हर्बर्ट एडवर्ड्स की कोशिशों का नतीजा था और उन्हीं के नाम से मंसूब हुआ। अगली एक दहाई तक ये कॉलेज एडवर्ड्स हाई स्कूल की इमारत में ही काम करता रहा। इस असना में कंटोनमेंट के इलाके में मौजूद कैंपस की तामीर मुकम्मल हुई तो कॉलेज को यहाँ मुंतकल कर दिया गया। उस वक्त क्लासों का इजरा मौजूदा आर्ट्स बिल्डिंग में किया गया। नई इमारत की तामीर में रेवरेंड एच होर की दिलचस्पी का ये आलम था कि कोई एक ईंट भी उनकी नजरों से गुजरे बगैर तामीर में इस्तेमाल ना हो सकती थी। नए कैंपस में मुंतकल होने के बाद कॉलेज का नाम एडवर्ड्स मिशन कॉलेज करार पाया और इसका इल्हाक पंजाब यूनिवर्सिटी से किया गया। इस्लामिया कॉलेज पिशावर के क्याम में आने के बाद एडवर्ड्स कॉलेज के तलबा की तादाद 25% तक कम हो गई। ताहम एडवर्ड्स कॉलेज को तलबा की तादाद बढ़ाने और अपना एतमाद बढ़ाने में कई साल तक जिद्दोजहद करना पड़ी। 1914 का साल अपने साथ जंगे अजीम की तबाहकारियां लाया। इसी साल एच जे होर रिटायर्ड हुए। उन्होंने अपनी मुद्दत मुलाजमत के दौरान कॉलेज के मियार तालीम और रवायत पर इस कदर तवज्जो सर्फ की कि एडवर्ड्स कॉलेज का शुमार बर्रे सगीर के चंद बुलंद पाया तालीमी इदारों में किया जाने लगा। कॉलेज के दूसरे प्रिंसिपल जे ए वुड ने कॉलेज की शानदार रवायत में इजाफा करते हुए ड्रामेटिक सोसाइटी की बुनियाद रखी, जिसके तहत कॉलेज में विलियम शेक्सपियर का शोहरा आफाक ड्रामा ट्वेल्थ नाइट पेश किया गया। यूं एडवर्ड्स मिशन कॉलेज ने विक्टोरियन थिएटर की इब्तदा करके सूबा सरहद के सकाफती रंगों में एक नए रंग का इजाफा किया। 1933 में ए एम डालिया ने कॉलेज के पहले और वाहिद मुकामी प्रिंसिपल की हैसियत से अपने फ़राइज संभाले। ए एम डालिया की कॉलेज के लिए खिदमात नाकाबले फरामोश हैं। उन्होंने सूबा सरहद के गवर्नर जॉर्ज किंगहम की कॉलेज के अमूर में भरपूर शिरकत को यकीनी बनाया। गवर्नर किंगहम खुद को कॉलेज का एजाजी माली कहते थे और उन्हें तकरीबन हर शाम अपने हाथों से कॉलेज के लॉन और फूलों की क्यारियों की देखभाल करते देखा जाता था। कॉलेज लाइब्रेरी के बाहर मौजूद लॉन को आज भी किंगहम लॉन कहकर पुकारा जाता है। कॉलेज का शालीमार गार्डन और इसके फवारे उसी दौर की यादगार है। बोटेनिकल गार्डन एडवर्ड्स कॉलेज का एक काबिले फखर सरमाया है जिसकी आबियारी में हर नस्ल ने हिस्सा लिया। इसका कयाम कॉलेज के मौजूदा कैंपस की तामीर के साथ ही अमल में आ गया था। बाद में हर एक ने इसे वुस्सत दी। ये गार्डन बाज निहायत कदीम और नायाब दरख्तों पर मुश्तमिल है। प्रिंसिपल डालिया के दौर में कायदे आजम मोहम्मद अली जना, महात्मा गांधी और डॉक्टर खान साहब जैसी अहम शख्सियात ने कॉलेज का दौरा किया। कायदे आजम ने 3 मरतबा एडवर्ड्स कॉलेज का दौरा किया। 1947 में उनके दौरे के दौरान उनके लिए जूनियर हॉल के सामने स्टेज बनाया गया। इस मौके पर मोहतरमा फातिमा जना भी उनके हमराह थी। उसी जमाने में कॉलेज में रेगुलर सोशल वर्क स्कीम मुतारफ करवाई गई
जिसमें हिस्सा लेना आज भी कॉलेज के तलबा के लिए जरूरी है। ए एम डालिया 1947 में गर्मियों की तवील रुखसत पर गए। उन्हीं दिनों हिंदुस्तान दो आजाद मुमलकतों में तकसीम हुआ और उनके लिए वापस आना मुमकिन न रहा। ये एडवर्ड्स कॉलेज की तारीख का सबसे बड़ा इम्तहान था। एक ही वक्त में कॉलेज को ना सिर्फ एक काबिल प्रिंसिपल से महरूम होना पड़ा बल्कि हिंदू और सिख असातजा और तालबे इल्म भी कॉलेज छोड़कर भारत चले गए। कॉलेज की मुश्किलात में उस वक्त कमी आना शुरू हुई जब कैनन हॉक्स ने 1951 में प्रिंसिपल की हैसियत से अपने फ्राइज की अदायगी शुरू की। इसके बावजूद बहरानी कैफियत बाकी रही जिसका खात्मा कॉलेज के अहद साथ प्रिंसिपल डॉक्टर एडमंड्स के आने के बाद हुआ। वो 1955 से 1979 तक फाइज रहे। उन्होंने निहायत मुश्किल हालात में कॉलेज के इंतजामी अमूर संभाले लेकिन अपनी मजबूत शख्सियत और कमिटमेंट की वजह से उन्होंने जल्द ही हालात पर कंट्रोल हासिल कर लिया। डॉक्टर एडमंड्स ने इंतहाई मेहनत और खलूस दिल के बायस मुकामी आबादी का एतमाद हासिल करने में भी कामयाबी हासिल की जिसकी वजह से कॉलेज में जेरे तालीम तलबा की तादाद बढ़कर 450 तक पहुंच गई। उनके 24 साल दौर में कॉलेज ने कई अहम शख्सियात को परवान चढ़ाया जिन्होंने जिंदगी के हर शोबे में कायदाना सलाहियतों का मुजाहरा किया। बाद में आने वाले प्रिंसिपल डॉक्टर टी वुलमर ने 1983 से 1987 तक कॉलेज के इंतजामी अमूर संभाले और कॉलेज को बैरूनी सियासी माहौल से महफूज रखने और उसके तालीमी इनहताप को रोकने के लिए चंद अहम इस्लाहात मुतारफ करवाई। डॉक्टर आर एच पॉन्ड 1988 में प्रिंसिपल बने तो उन्होंने कॉलेज की बोसीदा इमारत की ताजीम और तामीर नौ पर खास तवज्जो की। उन्होंने कैंपस के अहाते में जदीद सहूलियत से मुजयन कॉलेज हाउसिंग कॉलोनी भी तामीर करवाई। मिस्टर ब्रोक स्मिथ एडवर्ड्स कॉलेज के उन प्रिंसिपल हजरात में शामिल हैं जिन्होंने कॉलेज की 100 साल तारीख में अपने गहरे नकूश छोड़े हैं। उन्होंने 1995 में अपनी जिम्मेदारियां संभाली तो कॉलेज के तलबा की तादाद बढ़कर 1500 के करीब हो चुकी थी लेकिन ये वो दहाई थी जब कॉलेज का तालीमी मियार मुल्क के किसी भी तालीमी इदारे की तरह इनहताप पजीर था। ब्रोक स्मिथ एक प्रोफेशनल एजुकेटर थे। उन्होंने कॉलेज के अमूर को तख्लीकी अप्रोच के साथ चलाया और चंद साल की मुद्दत में इसे बैन अल्कवामी मियार का तालीमी इतारा बनाने में कामयाबी हासिल की। इसी दौर में एडवर्ड्स कॉलेज की 100 साल तकरीबात का इनकाद किया गया जिन्हें इस मादरे इल्मी की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। कॉलेज की नई तामीर की जाने वाली इमारत में कैंटबरी हॉल भी शामिल है। इस कसीरुल मकासद हॉल में 300 तलबा के बैठने की गुंजाइश है। जदीद सहूलियत से आरास्ता ये हॉल कॉलेज के तलबा की तख्लीकी सलाहियतों में इजाफे के लिए मरकजी किरदार का हामिल है। एडवर्ड्स कॉलेज में तलबा की रहाइश के लिए जदीद सहूलियत से आरास्ता 3 हॉस्टल मौजूद हैं। इनमें से हर हॉस्टल के लिए अलग कॉमन रूम और दीगर सहूलियत मुहैया की गई है। ताहम हॉस्टल के तलबा के लिए मेस मुश्तरका है। इन हॉस्टल में मुकीम तलबा को एक नहायत मुनज्जम माहौल में जिंदगी गुजारने का आदी बनाया जाता है। ये नज्म व ज़ब्त उन्हें बाकी जिंदगी बेहतर अंदाज में गुजारने में मदद फ्राहम करता है। हॉस्टल्स में मुकीम तलबा को बेहतरीन तालीमी माहौल फ्राहम करने के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों के लिए भी वाके मुहैया किए गए हैं। एडवर्ड्स कॉलेज की लाइब्रेरी की तारीख उतनी ही कदीम है जितना के खुद कॉलेज। आर्ट्स ब्लॉक में वाके इस लाइब्रेरी को कॉलेज का असासा करार दिया जाता है। इसमें मौजूद हजारों नई और पुरानी कुतुब के अलावा नादर कलमी नुस्खे मुहक्किकीन का दामन भी अपनी तरफ खींचते हैं। एडवर्ड्स कॉलेज में तलबा को निसाबी सरगर्मियों तक महदूद करने की बजाय गैर निसाबी सरगर्मियों को भी उनकी जिस्मानी और जहनी नश्वनुमा के लिए जरूरी समझा जाता है। कॉलेज के हर तालिबे इल्म से तवक्को की जाती है कि वो खेल और सकाफती सरगर्मियों में भी अमली तौर पर हिस्सा ले। खेलों के शोबे में कॉलेज के तलबा ने हमेशा बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। कॉलेज में हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स के बाकायदगी से मुकाबले मुनाकिद किए जाते हैं।
जबकि तलबा को मकबूले आम इंडोर गेम्स की सहूलियत भी फ्राहम की जाती है। एडवर्ड्स कॉलेज के तलबा की किरदार साजी और उन्हें मुआशरे के लिए मुफीद इंसान बनाने के लिए दीगर कई इकदाम के अलावा ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग अवार्ड भी दिया जाता है। दुनिया के गोशे गोशे में बिखरे एडवर्ड्स कॉलेज के हजारों तालबे इल्म जिंदगी के हर शोबे में नुमाया मुकाम पर दिखाई देते हैं, जिनमें गवर्नर सरहद अवैस अहमद गनी, वजीर आला सरहद अमीर हैदर खान होती, फनकारों में पृथ्वी राज, कवि खान, अहमद फराज, डॉक्टर डेनिस आइजक्स, इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड कमल आइजक्स शामिल हैं। इस कॉलेज में नज्म जब्त के पाबंद माहौल में तालबात भी तालीम हासिल करने के मुसावी मौके से फायदा उठा रही हैं और उनकी तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। तालबात की मजीद रहनमाई के लिए कॉलेज के अंदर एक विमेन सेंटर का कयाम अमल में लाया गया है। एडवर्ड्स कॉलेज, जिसकी कोंपलें गुज़श्ता सदी के तलू होते ही फूटी थी, आज एक तनावर दरख्त बन चुका है जिसकी जड़ें जिंदगी के हर शोबे में दूर दूर तक फैली हुई हैं। इंटरमीडिएट की सतह से शुरू होने वाले इस कॉलेज में आज ए लेवल और पोस्ट ग्रेजुएट तक आर्ट्स और साइंस के तमाम अहम मजामीन पढ़ाए जाते हैं, जिनमें कंप्यूटर साइंसेज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अलावा इंटरनेशनल डिप्लोमा ऑफ इंग्लैंड भी शामिल है। इस वक्त एडवर्ड्स कॉलेज में जेरे तालीम तालबे इल्मों की तादाद 2000 है, जिनमें 120 तालबात भी शामिल हैं। इन तलबा और तालबात को जदीद तालीम से आरास्ता करने के लिए 87 काबिल और आला तालीम याफ्ता असातजा मौजूद हैं, जिनमें 7 खवातीन असातजा भी शामिल हैं। I'm a physicist and I realized that science is very important here and that there was an opportunity to develop this aspect of education. That's really why I came here. We have a wide representation of communities and that we live and work together without really being conscious of the fact of what community a particular member is from. And yet we are not secular. We take the beliefs of the different communities very seriously and everybody practices according to their custom. Edwards College Peshawar ki fikri bunyad mazhab, zaat, jins aur rango nasl se balatar hokar ऐसी नस्ल की खेप तैयार करना है जो एक जानब खुले दिलो दिमाग के साथ बैरूनी दुनिया के साथ हम आहंग होने की अहलियत की हामिल हो, तो दूसरी जानब वो पाकिस्तानी मुआशरे में भी फिक्री हवाले से ताज़ा हवा का झोंका साबित हो। मौजूदा हालात में कौम की यही सबसे बड़ी खिदमत है। एडवर्ड्स कॉलेज ये खिदमत रोज़े अव्वल से सर अंजाम देता आया है और आज भी नए अज़्म के साथ मुआशरे की खिदमत में पेश पेश है।